अभी है इसका इंजन ऑयल मॉड्यूल 10W40, ठीक है। तो ये इंजन ऑयल फिल्टर जो कि मस्ट है चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया इसका सेंटर स्टैंड, ठीक है। तो आप यहाँ चेकआउट कर लो ड्रेन बोल्ट इसका, ठीक है। तो ये रहा ड्रेन बोल्ट, भी आप ड्रेन बोल्ट खोलेंगे, ड्रेन बोल्ट खोलने का पहले, ठीक है, गिरा नीचे, ठीक है। ऑयल कितना गंदा है, पूरा ब्लैक हो गया। सिर्फ 1600 किलोमीटर बाइक चली है, फिल्टर निकालते हैं। ये देखना भाई, ऑयल फिल्टर देखो कैसे चोक हुआ रखा है, पूरी ब्लैक हो गई है, ठीक है। एंड जब भी आप ऑयल चेंज करोगे, न्यू डालोगे, ऑयल फिल्टर हर बार चेंज करना है। ये 100 एक और सील रहता है, फिल्टर पे डाल लेना है अंदर से। तो अंदर तरफ मैं आपको ऑयल डाल, तो ये थोड़ा सा ऑयल जो है अंदर डाल दिया फिल्टर पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट में लगा देना है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और क्लीन कर ले कपड़ा से। तो कुछ इस तरह का फाइनल चाहिए भाई, मेरे पास ये फाइनल रखा हुआ, इंजन में डाला था स्कूटी का, तो उसका है। ये ऑयल डालना स्टार्ट करेंगे भाई, और ये पूरा एक लीटर। सो हेलो एवरीवन, दिस इज करण, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे आप लोग, होप करता हूं अच्छे होंगे। तो बहुत दिन के बाद आज अपनी बिफोर पर वीडियो आ रही है, तो आज दिखाऊंगा इस वीडियो पे कि घर पे इंजन ऑयल कैसे चेंज करना है। ये यूट्यूब पे पहली वीडियो, क्योंकि आप सर्च कर लो आपको और वीडियो नहीं मिलेगी कि वर्जन 4 की इंजन ऑयल घर पे कैसे चेंज करनी है। मैंने सोचा कि अभी अपना इंजन ऑयल चेंज कर रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ उस पर मॉड्यूल 10W40 7100 फुलसिनेटिक, और साथ में इसका ऑयल फिल्टर है, देख लो दोनों आपको दिख रहा होगा साथ में, ठीक है। तो ये चेंज करने वाला हूँ मैं अभी घर पे। तो कैसे चेंज करना है, क्या क्या चीज़ खोलनी है, ड्रेन बोल्ट कैसे खोलना है, ऑयल फिल्टर कैसे चेंज करनी है, सब चीज़ दिखाऊंगा। तो चलते हैं बैक कैमरा में, सब चीज़ दिखाना स्टार्ट करते हैं। भाई ये रही अपनी V4, ठीक है। तो अभी है इसका इंजन ऑयल मॉड्यूल 10W40, ठीक है। तो ये इंजन ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मंगाया फ्लिपकार्ट से, एंड इसका परचेज़ लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाकर चेक कर लेना। उसके बाद साथ में आई है इसकी ऑयल फिल्टर जो कि मस्ट है चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी हुई है, देख लो यहाँ पे भाई, चेकआउट कर लो। तो जब भी आप चेंज करोगे इंजन ऑयल, तो आपको मोबिल फिल्टर जो है साथ में चेंज करना मस्ट है, क्योंकि ये जो फिल्टर है चोक हो जाती है, ये कुछ पार्टिकल्स इंजन से निकलते हैं, बावरी निकलता है, तो ये चोक हो जाता है। तो ये आपको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप ऑयल चेंज करो, चाहे 2000 में करो, चाहे 3000 में करो, आपको ये जो है सबसे मेजर थिंग होता है चेंज करने का। और यहाँ पे रखा हुआ अपना सेंटर स्टैंड जो कि इंस्टॉल करूँगा अभी, सेंटर स्टैंड लगा करके पिन से बाइक को करेंगे सेंटर पे, उसके बाद खोलना स्टार्ट करेंगे इसका ड्रेन बोल्ट, सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो एक चीज़ अच्छी इस V4 में लगी कि इसका जो ऑयल फिल्टर का कैप है ना, ये ओपन रखा हुआ है, तो यहाँ से आराम से आप 3 जो बोल्ट है इसके 8mm का जो रेंच लगेगा, ये आराम से बाहर से लग जाएगा। लेकिन V3 में दिक्कत आती है कि V3 का जो यहाँ पे जो इंजन कॉल है, ये जस्ट इसका आधा कवर आता है, तो जो है कॉल को खोलना पड़ता है। लेकिन इसमें कॉल खोलने की ज़रूरत नहीं है, बार बार से ही इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा, यहाँ से फिलिंग भी हो जाएगा, यहाँ से ऑयल फिल्टर चेंज हो जाएगा, एंड जो ड्रेन बोल्ट है वो जस्ट इसका नीचे है। तो ये जो काम है इसमें आसान है थोड़ा सा करना। और ये जो किलोमीटर्स आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कितना चला हुआ है, ठीक है। तो अभी जस्ट फर्स्ट सर्विस ही हुआ है, सेकंड सर्विस अभी नहीं गई है। तो यहाँ पे ओडो देख लो 2686 किलोमीटर चल गई है। तो पहला सर्विस जो हुआ था 1000 पे, ठीक है। तो अभी 1600 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया, क्योंकि उसमें डाला था यामाहा का इंजन ऑयल, जो यामा लूब इंजन ऑयल आता है ना, नॉर्मल मिनरल ऑयल डाला था। तो मैंने सोचा कि इसमें डालना पड़ेगा सिंथेटिक ऑयल, क्योंकि बाइक जो है बहुत रफ चलाता हूँ मैं, एंड बहुत ही हाई आरपीएम पे चलाता हूँ। तो उसमें क्या है कि सिंथेटिक ऑयल में स्विच करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंजन पे नुकसान नहीं हो और परफॉर्मेंस भी अच्छा दे, माइलेज अच्छा दे, एंड आपकी गियर बॉक्स, गियर शिफ्टिंग एंड ऑल क्रैंक वगैरह जो है स्मूथली काम करे। सिंथेटिक ऑयल बहुत ज़रूरी होती है हाई एंड बाइक के लिए, मैंने जिसकी टॉप स्पीड ज़्यादा होती है, तो उसके लिए सिंथेटिक ऑयल बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है अभी मैं सब चेंज करूँगा भाई, अपने V4 की वीडियो सब देखी है मेरी मॉडिफाइड की। तो ये रही अपनी बाइक, एंड इसकी वीडियो पहले YouTube पे R15 वर्जन 4 या वर्जन R15M दोनों की इंजन ऑयल जो है सबसे पहले मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सबको दिखाएं कि ऐसा चेंज होता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए इस पे लगाते हैं सेंटर स्टैंड और सब काम करना स्टार्ट करते हैं। आपने मैं सारा अपना टूल किट्स ले आया हूँ, ठीक है। ये रहा अपना बीकर, जिसमें अपने हमेशा देखता हूँ कि मैं अपने सब गाड़ियों का जो है ऑयल चेंज करता हूँ। ये 1 लीटर का बीकर है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो लास्ट टाइम इसमें मैंने अपने एक्सेस की ऑयल चेंज की थी,
तो ये उसका ऑयल अंदर गंदा थोड़ा सा रखा हुआ है, ठीक है। सारा टूल्स ले आया हूँ, थोड़ा कपड़ा चाहिए आपको, ठीक है। और ड्रेन बोल्ट खोलने के लिए सबसे मेन जो इसका रेंच है ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा हैंडमेड रेंच बना हुआ, ठीक है। तो ये किसी बाइक का हुआ करता था, मेरी पहले बाइक थी करिश्मा, उसकी ये प्लग पाना थी। तो ये जो है इस पर 18 mm का ये सॉकेट लगता है, तो ये मैंने जो है हैंडमेड पाना बनाया हुआ है। तो ये इससे खोलेगा ड्रेन बोल्ट, याद रखें ये 18 mm का है, ठीक है। 18 और 19 का आप दो सॉकेट ले लो तो वही काम आएगा। और साथ में कुछ टूल्स और रखे हुए हैं, ज़रूरत पड़ेगा। और 8 mm का टी पाना, तो ये देख सकते हो टी रेंच है, ये 8 mm का है, जो कि आपको ऑयल फिल्टर का जो कैप है वो खोलने के लिए काम आएगा, ये 8 mm का है। बाकी अपना तपरिया का टूल किट। तो अभी चलते हैं, सेंटर स्टैंड लगाते हैं बाइक पे, उसके बाद सबसे पहले खोलते हैं ड्रेन बोल्ट एंड जो ऑयल है पुराना वाला उसको निकाल के आपको दिखाते हैं कि भाई क्या कंडीशन है उसकी। यहाँ पे लगा दिया है इसका सेंटर स्टैंड, ठीक है। तो आप यहाँ चेकआउट कर लो, ये इसका लगा दिया सेंटर स्टैंड, एंड बाइक जो है एकदम मिडिल पे होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट खड़ी होनी चाहिए, तब जा करके जो जितना ऑयल है जो हेड पे चढ़ा रहता है सब निकल जाएगा। तो यहाँ जस्ट इसका नीचे यहाँ पर रहता है ड्रेन बोल्ट, ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको ड्रेन बोल्ट इसका, ठीक है। तो ये रहा ड्रेन बोल्ट, और इसमें लगेगा सॉकेट जो लगाना है मुझे, ठीक है। तो ये रेंच है, तो ये रेंच से मैं लगा करके ड्रेन बोल्ट खोल करके ऑयल ड्रेन करके निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहला चीज़ जो मेन बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, कि जब भी आप ड्रेन बोल्ट खोलेंगे, ड्रेन बोल्ट खोलने का पहले, ठीक है, तो आपको जो है इंजन का जो फिलर कैप है ना, फिलर कैप जहाँ से ऑयल डालते हैं, इसको यहाँ से खोल देना, ठीक है। इसको पहले खोल देना यहाँ से, उसके बाद जा करके आपको ड्रेन बोल्ट खोलना है। तो यहाँ पर ऑयल की हालत देख लो भाई, बहुत बुरा कंडीशन है इसका, या मतलब ऑयल देख लो मिनरल वाला। तो जब भी आप ड्रेन बोल्ट खोलेंगे, ठीक है, तो उसका पहले ये खोल लेना आपको फिलर कैप, क्योंकि यहाँ से जो हवा जाएगी अंदर, ठीक है। तो होता क्या है कि वैक्यूम क्रिएट होती है इंजन के अंदर पे, तो नीचे जो बोल्ट खोलना है, बोल्ट खोलने के बाद पे ड्रेन बोल्ट खोलने का पहले ये रखना बीकर, और फिर ये खोलना है पहले, उसके बाद ड्रेन बोल्ट खोलेंगे। तो चलिए अब ड्रेन बोल्ट खोल लेते हैं। तो भाई जब तक जो है ऑयल ड्रेन हो रहा है, देख सकते हो वहाँ पे ड्रॉपलेट्स गिर रहा है ऑयल कंटिन्यू, तो ऐसा इसको कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ देना घड़ी देख के एग्जैक्ट, ठीक है। तो 5-10 मिनट हो गए हैं, तो मैं और 5-10 मिनट छोड़ दूंगा, तब तक उतने देर पे खोलेंगे इसका ऑयल फिल्टर का कैप है, जो ये 8 mm का टी पाना है, ठीक है। तो ये इससे ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसको खोल करके फिर ऑयल फिल्टर की क्या कंडीशन है वो दिखाते हैं, क्योंकि ऑयल जो इसका निकला है बहुत ज़्यादा स्लज है, ठीक है। तो हाथ से पूरा स्लज लगा हुआ था, तो वो आपको दिखाऊंगा मैं। पहले ऑयल फिल्टर खोल लेते हैं इसका, उसके बाद फिर दिखाते हैं। तो यहाँ जो है मैंने दो बोल्ट जो है वो ओपन कर लिए, ठीक है। तो ये लास्ट बोल्ट है, ठीक है। तो ये खोल के ऑयल फिल्टर निकाल, ऑयल गिर रहा है नीचे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे मैं क्लीन कर लूँगा। तो यहाँ पर देखो ऑयल कितना गंदा है, पूरा ब्लैक हो गया। सिर्फ 1600 किलोमीटर बाइक चली है, और आपकी यामा लूप की ऑयल देख लो भाई, मिनरल ऑयल, ये देखो पूरा ब्लैक स्लज, ऐसा लग रहा है कि अलकतरा है। हाँ, ये देखो ऑयल देखो भाई। तो यही सब रीज़न की वजह से मैं जो है अभी मोटुल का जो इंजन वो डाल रहा हूँ अभी सिंथेटिक वाला। तो रिस्क लेना चाहता मैं कि भाई इंजन, ये देखो भाई ऑयल फिल्टर देखो कैसे चोक हुआ रखा है, पूरी ब्लैक हो गई है, ठीक है। एंड भाई इसके अंदर से भी एकदम डर्टी ऑयल निकलने वाला है, ये देखो। ऑयल फिल्टर हमेशा आपको इसलिए चेंज करना है, जब भी आप ऑयल चेंज करोगे, न्यू डालोगे, ऑयल फिल्टर हर बार चेंज करना है। ये 180 रुपीज़ के लिए आप अपना इंजन मत नुकसान करिएगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा डर्ट जो होता है इंजन का, बाबरी होता है, सब यही कैच करता है अपने तरफ, और इंजन को 80% सेफ रखता है ख़राब होने से। तो ये देखो भाई, ये पूरा चोक हो गया है। तो अभी आपको न्यू फिल्टर दिखाता हूँ, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो ये रहा न्यू फिल्टर का पैक, ठीक है। तो अभी इसको मैंने अनरैप कर लिया, ठीक है। तो ये रहा इसका न्यू फिल्टर, तो भाई आप देख लो कलर डिफरेंस। ये रहा न्यू फिल्टर एंड ये रहा ओल्ड फिल्टर, ये देखो दोनों में डिफरेंस लग रहा होगा आपको, न्यू फिल्टर एंड ओल्ड फिल्टर में। ये पुरानी फिल्टर जो है पूरी क्लॉक कर गई है, क्लॉक मतलब कि पूरा जाम हो गया है, ठीक है, चोक कर गई है। एंड ये रहा न्यू फिल्टर, ठीक है, ये पूरा येलो। तो इसको लगाने के पहले क्या है कि हमें थोड़ा सा इस पर ऑयल डालना पड़ेगा। दो इंजन ऑयल मैं डालने वाला हूँ ये मोटुल का, तो इसका ऑयल जो है थोड़ा सा मैं डालूंगा ऑयल फिल्टर पर, ताकि ये थोड़ा सा वेट हो जाए। और उसके बाद ये सब एरिया जो है पहले क्लीन करेंगे, जहाँ पे आप ऑयल फिल्टर लगा था, तो इसको कपड़े से पहले अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है। कोई अच्छा सा क्लोथ ले लें और इसको अच्छे से साफ करके उसके बाद फिल्टर पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल,
तो ये एक एक स्टेप्स जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी घर पे ऑयल चेंज करने के लिए। बस आपको टूल्स चाहिए और आपको मेरी वीडियो चाहिए देखने के लिए। ये जो हो जाने के बाद फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो ये देखो, इसको ऐसे क्लीन करना, अंदर पूरा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ऑयल फिल्टर का जो चैम्बर है वो ऐसा क्लीन होना चाहिए, और उसके बाद सेम ऐसे क्लीन करना है इसका कवर भी, ठीक है। तो इसके कवर पर याद रखिएगा ये ओरिंग लगा हुआ है, ये ओरिंग घूमना नहीं चाहिए। ये ओरिंग घूम गई तो फिर जो है सारा ऑयल यहाँ से लीक कर जाएगा चैम्बर से, एंड सारा ऑयल जो है बाहर गिर जाएगा और इंजन आपकी सीज कर सकती है। तो हिसाब रखें कि ये ब्लैक वाला ओरिंग है जो साइड पर लगी हुई है, तो इसको ध्यान से रखना है, इसको साफ़ करना अच्छे से कपड़े से, हो सके तो स्क्रू ड्राइवर घुसा के अंदर पे क्लीन कर लें इसको। तो गाइस काफ़ी समय जो है 15 से 20 मिनट लगा कर मैंने सारा ऑयल जो है ड्रेन कर लिया, ठीक है। तो ये जो है ऑयल लेवल भर गया, ये निकला है 800 ml, ठीक है। तो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ देख लो भाई, ये 800 ml ऑयल निकला है। तो 1 लीटर ऑयल डाला था फर्स्ट सर्विस पे 1000 किलोमीटर पे, और 1600 किलोमीटर पे ड्रेन हो रहा है। इसका मतलब कि जो 200 ml ऑयल है, ठीक है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 200 ml ऑयल जो है ये हो गया वाइपर गर्म की वजह से, क्योंकि इंजन जब हीट होती है तो इंजन से ऑयल जो है वेपर होता है आपका। तो 200 ml जो है ऑयल वेपर हो गया है। तो अभी क्या करेंगे कि ये ऑयल को कहीं साइड में डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है एनवायरनमेंट का, एंड कहीं भी ऐसा मिट्टी एरिया साइड पे हो तो वहाँ पे ऑयल को ऐसा ड्रेन कर दें। और ध्यान रखना है कहीं अपने जो काउज एंड डॉग्स रहते हैं वो मुँह ना लगा लें, क्योंकि देखो ये इसके अंदर पे स्ट्रेनर और स्प्रिंग था ड्रेन बोल्ट का, तो इसलिए मैंने जो है ऑयल यहाँ पे देखो सारा ड्रेन कर दिया है, ठीक है। तो ये स्ट्रेनर और जो स्प्रिंग निकालना है इसके अंदर से, उसके बाद इसे क्लीन करके वापस से ड्रेन मोट लगा देंगे। चेकआउट कर लो, ये देखो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर स्प्रिंग साफ किए हैं ना, ये देखो ये हो गया इसका ऑयल फिल्टर कैप, ठीक है, पूरा क्लीन हो गया। ये ड्रेन बोल्ट, ठीक है, ये ड्रेन बोल्ट पे लगता है ये ऐसा स्ट्रेनर, फिर लगता है स्प्रिंग, उसके बाद जैसा आपने खोला था सेम प्रोसेस है वैसे ही इसकी फिटिंग कर देना है अभी, ठीक है। सारा ऑयल जो है निकल गया, सब चीज़ मैंने साफ कर दिया, इसका क्लीन हो गया, बाकी बाद में ज़मीन साफ़ करना पड़ेगा इसको, जो ऑयल नीचे गिर गया, ठीक है। तो अभी जो है सारा चीज़ जैसे मैंने साफ़ किया है, इसका फिलर कैप देख लो भाई, पूरा साफ़ हो गया, अच्छे से क्लीन कर दिया, और थोड़ा भी डस्ट नहीं है, पुराना ऑयल नहीं है डिपॉजिट, एंड ये भी पूरा साफ़ हो गया ऑयल फिलर कैप, ठीक है। तो पहले भी लगाएंगे ड्रेन बोल्ट, इतना क्लीन होना चाहिए, ड्रेन बोल्ट लगा करके फिर लगाएंगे इस पर जो ऑयल फिल्टर है, ठीक है, इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल मोटोल का जो नया डालने वाला है उसके बाद। तो भाई पहले अभी क्या है कि ऑयल फिल्टर में थोड़ा सा ऑयल डालना है, तो भाई अभी जो ऑयल है फिल्टर पे डाल लेना है अंदर से, तो अंदर तरफ में आपको ऑयल डालना है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो ये थोड़ा सा ऑयल जो है अंदर डाल दिया फिल्टर पे, ठीक है। तो यहाँ चेकआउट कर लो, अंदर फिल्टर पे सारा ऑयल चले गया, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा फिल्टर पे सारा ऑयल आ गया, एंड ऐसे ही जो है इसको अंदर यहाँ पे कंपार्टमेंट पे लगा देना है, ठीक है। तो ये लगा देने के बाद फिर जो इसका कैप होता है, ये कैप को थोड़ा सा एक बार और क्लीन कर ले कपड़ा से, और जैसे खोला था उस पोजिशन पर इसको फिक्स कर देना है भाई, एंड इसके जो जितने बोल्ट्स हैं सारे बोल्ट्स को टाइट कर देना है, तो जो है टाइट हो गई है, ठीक है। तो ये तीनों जो है बोल्ट 8 के जो खोले थे ये हो गए टाइट, ठीक है। तो ये तीनों को जो है बराबर टाइट करना है, ये नहीं कि एक ज़्यादा एक कम, ये बराबर टाइट करके, और फाइनल जो है ऑयल फिलर कैप से भाई अपना मॉड्यूल ऑयल पूरा यहाँ पे डालेंगे। तो कुछ इस तरह का फनल चाहिए भाई, मेरे पास ये फनल रखा हुआ, इंजन में डाला था स्कूटी का, तो उसका है, तो फनल को लगाना भाई यहाँ पे, जहाँ से ऑयल डालते हैं, उसके बाद ये ऑयल डालना स्टार्ट करेंगे भाई, और ये पूरा 1 लीटर ऑयल पूरा डाल देंगे इंजन के अंदर पे। अभी जो है ऑयल जो है मैंने डाल लिया पूरा, तो अभी जो लास्ट का फिलर कैप है भाई इसको लगा करके जो है पूरी टाइट कर देनी है, एंड इसको अच्छे से टाइट करना है आपको ग्लास से पकड़ के, और ये लास्ट में फिलर कैप लगा करके ये प्लास्ट से इसको टाइट कर देना भाई, और ये हो जाएगी रेडी आपकी गाड़ी। और अभी क्या है कि सिर्फ स्टार्ट करेंगे, सेल्फ मारेंगे इसको, अभी जो है पहला सेल्फ मारेंगे, ठीक है। तो भाई ये ऑयल डल गया है, इंजन ऑयल, ठीक है, और अभी यहाँ पे जो है सेल्फ मार के थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसे, एंड भाई ये ऑन हो गई है, तो थोड़ा देर रखेंगे आइडल पे ताकि जो जितना इंजन ऑयल है वो सारा हेड पे चढ़ जाए, एंड थोड़ा सा वार्म अप होने देते हैं इसको, उसके बाद लेके चलेंगे एक राउंड चला के, फिर आपको बताते हैं कि भाई क्या चेंजेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो भाई अभी आ गया हूँ रोड पे बाइक लेके, ठीक है। तो अभी ऑयल चेंज कर लिया है इसका,
एंड भाई तो सबसे पहला जो चेंजेस मुझे लग रहा है इस पर कि इसकी गियर शिफ्ट जो है ना, ये देखो गियर शिफ्ट जो है इसकी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, ठीक है। एंड भाई ये गियर शिफ्टिंग बहुत मक्खन लग रहा है। और अभी इंजन की एक जो पहले से थोड़ी सी हमिंग और वाइब्रेशन नॉइज जो है वो जो फील हो रही थी, तो वो मुझे लग रही कि थोड़ा सा कम हो गई है, ठीक है। ये देखो, तो इंजन रेव करके दिखाया आपको कि थोड़ा सा इसकी आवाज़ जो है ना, हमिंग नॉइज एंड जो थोड़ा सा वाइब्रेशन जो फील होता था वो थोड़ा सा कम लग रहा है। तो अभी चल, तो भाई आपने देख ली इसकी राइड। तो भाई तो होप करता हूँ कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें, सब तक पहुँचाएं कि आप घर पे ऐसे V4 का इंजन ऑयल चेंज कर सकते हो। तो वीडियो करेंगे यहाँ पे क्लोज। टिल नाउ राइड सेफ, टेक केयर, सपोर्ट योर ब्रदर, शेयर ऑल द वीडियोज़ एंड बाय बाय।